तथ्य हुई विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन्त बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी। भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ी भविष्यवाणी पर लगी सत्यता की मोहर। 2019 की तस्वीर में 2024 की इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत बना दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। अब पीएम मोदी का बिग ड्रीम कब होगा पूरा? नंबर 5 से नंबर 1 पर कब दिखेगी भारत की इकोनॉमी? अमेरिका की तरह भारत कब बनेगा अमीर? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। वसुदेव कुटुंबकम अर्थात ये धरती एक परिवार है, और इसी सोच के साथ आज विश्व पटल पर नए भारत की नई तस्वीर उभर रही है। इस नई तस्वीर में देखिए, आज का भारत दुनिया का बॉस बन चुका है। एक बार फिर G20 के बहाने ही सही, भारत ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। आज आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत को G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी ऐसे समय में मिली जब पूरा विश्व आर्थिक चुनौती, जियोपॉलिटिक्स संघर्ष और कोरोना जैसी महामारी से उबर नहीं पाया। और ऐसे वक्त में पीएम मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में न सिर्फ राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, बल्कि 48 घंटों के अंदर अंदर भारत मंडपम में मौजूद विश्व शक्तियां ये भी भाप गई कि अब इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के पायदान पर भारत खड़ा है, और जिसकी भविष्यवाणी देखिए 5 साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले देवभूमि हिमाचल के खूबसूरत गांव फागु से हुई। 24 की तस्वीर विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन्त बेत्रा अशोका जी ने 19 में ही दिखा दी थी। सितंबर अक्टूबर के बाद भारत की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आना शुरू हो जाएगी। हमने जो भविष्यवाणी फागु से की थी 2024 के इलेक्शन के लिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर जो भविष्यवाणी की गई थी उसमें ये साफ बताया था कि 2021-22 में जो सुधार होंगे 2022-23 में आर्थिक रूप से भारत बहुत तेजी से उन्नति करेगा, और 2024 तक आते आते भारत विश्व की 5 महान शक्तियों में भारत का नाम दर्ज होगा। आज अगर आप देखें अमीर देशों की लिस्ट निकालेंगे तो अमीरी के मामले में भारत से सिर्फ 4 देश आगे पाएंगे, अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। और अब बहुत जल्द अमेरिका को पछाड़ते हुए भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, और इस बात की भविष्यवाणी G20 शिखर सम्मेलन में हो चुकी है। देश भर में पीएम मोदी के बिग ड्रीम प्रोजेक्ट की चर्चा हो रही है। दरअसल देखिए, G20 के शिखर सम्मेलन में शामिल हुई आईएमएफ की डिप्टी डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि 2027 और 2028 तक भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इससे पहले तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बोल चुके हैं कि उनके 3रे कार्यकाल में देश 3री अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और आज देखिए, जिस रफ्तार से भारत तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है ना, उसे देखते हुए कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भारत में जो आशा है, लोगों में जो आत्मविश्वास है, नए भारत के निर्माण के लिए जो इच्छा शक्ति है, वो आपके लिए भी अनेक संभावनाओं के द्वार खोल रही है। आप खुद देखिए, आज भारत G20 देशों के समूह में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर के मामले में भारत पहले नंबर पे है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या को देखें तो भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में भी भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भारत में है। ऐसी कई चीजें मैं आपके सामने रख सकता हूं, गिना सकता हूं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम सबने और दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा है। सदी की इस सबसे बड़ी आपदा में ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ, फिर युद्ध ने भी इस संकट को और बढ़ा दिया। इन सब के बीच भी भारत आज ग्रोथ के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। पिछले साल भारत में अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड एफडीआई आया। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि इंडिया मीन्स बिजनेस, और ये केवल अकेले सरकार के प्रयासों के कारण संभव नहीं हुआ है। इसमें आईएसबी जैसे बिजनेस स्कूल्स का, यहां से निकलने वाले प्रोफेशनल्स का, देश के युवा का भी बहुत बड़ा योगदान है। चाहे स्टार्टअप्स हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, हमारे युवा ये साबित कर रहे हैं कि वो दुनिया को लीड कर सकते हैं। मैं सही बता रहा हूं ना? आपको भरोसा है कि नहीं अपने आप पर? मुझे आप पर भरोसा है, आपको अपने आप पर है। साथियों, इसलिए आज दुनिया भारत को, भारत के युवाओं को और भारत के प्रोडक्ट्स को एक नए सम्मान और नए भरोसे के साथ देख रही है।